हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वास्थ्य शिविर आरोग्य का आयोजन अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के तत्वावधान में बाड़मेर में पश्चिमी माहेश्वरी महिला संगठन व जिला महिला संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच के साथ आरोग्यन शिविर का आयोजन किया गया। बाड़मेर में आयोजित इस शिविर में पश्चिमी राजस्थान उपाध्यक्ष सुधा डांगरा व संयुक्त सचिव वीना पनपालिया ने बताया कि इस शिविर में 80 से अधिक व्यक्तियों के खून की जांच की गई। जिला अध्यक्ष रेणु डांगरा, जिला सचिव जया भारती संजरा ने बताया कि इसके लिए लोगों से संपर्क कर स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया गया। मंडल की सुमित्रा मेहता, रेखा मुंदड़ा, गीता शारदा, वीना राठी, मोनिका तापड़िया, कविता लंधड़ व मनीषा राठी ने भी इस शिविर को सफल बनाने में अपना पूरा पूरा योगदान दिया। महेश्वरी समाज की सभी पुरुष व महिला ने शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए वीना पनपालिया, इन्होंने ये कहा। वीना पनपालिया, क्या कार्यक्रम? आज आरोग्यम शिविर हमने लगवाया है। कोरोना महामारी के बाद देखते हुए जो ये स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये शिविर लगाया। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन और पश्चिमी प्रादेशिक महिला संगठन और माहेश्वरी महिला संगठन जिला बाड़मेर संयुक्त तत्वाधान में आज ये लगवाया है, जिसमें करीब 70 से अधिक लोगों ने यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लिया है और जाँचें करवाई है, जिनकी ये थायरो केयर लैब मुंबई के द्वारा ये जाँचें की जा रही है और 3 दिन बाद इनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। क्योंकि इस महामारी के बाद कई सारे लोगों की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, तो महिला मंडल ने सोचा कि ये एक फ़ायदा मिले। जो जांचें करीब काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं, उसमें एक 700 रुपये में ही हम ये पूरा जांचों का पैकेज दे रहे हैं। ये कैंप कितने दिन चलेगा? आज के लिए ही है, 11 बजे तक। वो ये बाड़ में शहर में और अन्य जगह भी होगा? नहीं, ये सिर्फ महिला मंडल जो माहेश्वरी महिला मंडल के द्वारा ही अखिल भारतीय स्तर पर ही करवाया जा रहा है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।